नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्रौपदी के उस रहस्य के बारे में जिससे स्वयं पांडव भी थे अनजान। महाभारत की संपूर्ण कथा में द्रौपदी एक विशेष पात्र है। कहा जाता है कि द्रौपदी सबसे सुंदर एवं आकर्षित महिला थी। महाभारत की कथा में द्रौपदी के स्वयंवर एवं कौरव के द्वारा किए गए चीरहरण का वर्णन तो किया गया है, जिनके बारे में ज्यादातर व्यक्ति जानते हैं, परंतु द्रौपदी के संपूर्ण जीवन में कुछ ऐसे रहस्य है जिनका वर्णन बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इन कथाओं का वर्णन हमें भले ही महाभारत की कथाओं में सुनने को ना मिले, परंतु कई विद्वानों एवं संतों ने इन कथाओं पर समर्थन दिया है। उन्हीं कुछ मुख्य कथाओं में से एक कथा का वर्णन हम आज करेंगे। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो कि हवन कुंड से उत्पन्न हुई थी एवं अपने स्वयंवर के पश्चात वह पांडवों की पत्नी कहलाई। कौरव एवं पांडव के बीच चल रही इस दुश्मनी में कौरव ने छल से पांडवों को अपमानित करने के लिए द्रौपदी का चीरहरण किया अथवा 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। इसी वनवास के 12वें वर्ष के दौरान पांडव एवं द्रौपदी वन में भटक रहे थे। तभी थकने के कारण द्रौपदी को भूख लगने लगी एवं उन्होंने अपने आगे की ओर एक सुंदर सा जामुन का पेड़ देखा। द्रौपदी अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाई एवं तुरंत ही उन्होंने पेड़ से एक जामुन का गुच्छा तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने यह किया, तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि एक साधु अपने 12 वर्ष के उपवास को इस फल को ग्रहण कर तोड़ेगा। अगर यह बात उन साधु को पता चला तो तुम सभी को उनके क्रोध का सामना करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर पांडवों ने इस समस्या का समाधान पूछा। कृष्ण ने समाधान बताते हुए कहा, अगर तुम सभी उन साधु के क्रोध से बचना चाहते हो, तुम्हें इस पेड़ के नीचे आकर अपने जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज बताने होंगे जो किसी और को पता ना हो। ऐसा करने पर वह फल स्वयं ही अपनी जगह पर वापस लग जाएगा। अगर तुमने वृक्ष के नीचे जाकर झूठ बोला तो उसी समय वह फल जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सभी पांडव समेत द्रौपदी अपने जीवन में हुई कुछ घटनाओं के बारे में सोचने लगी। तभी पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर आगे की ओर आए एवं वृक्ष के समीप जाकर कहने लगे कि जो भी पांडव के साथ अभी घटनाएं हो रही है, उन सभी घटनाओं का जिम्मेदार वह द्रौपदी को समझते हैं। युधिष्ठिर के सत्य कहने पर वह फल द्रौपदी के हाथों से कुछ ऊपर की ओर बढ़ता है। तब कृष्ण ने भीम को आगे आने को कहा। भीम ने वृक्ष के समीप आकर कहा कि वह स्वीकार करता है कि उन्हें भोजन एवं सोना बहुत पसंद है और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में भी बताया कि वह धृतराष्ट्र के 100 कौरवों को युद्ध भूमि में नष्ट करेंगे। यह कहने पर वह फल अपनी जगह से और ऊपर की ओर जाता है। भीम के पश्चात अर्जुन वृक्ष के समीप पहुँचे एवं उन्होंने कहा कि मुझे मेरे सम्मान पद और प्रतिष्ठा सर्वप्रिय है और मैंने यह प्रतिज्ञा ली है कि मैं जब तक कर्ण को युद्ध भूमि में परास्त ना कर दूं तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, चाहे मुझे इसके लिए धर्म विरुद्ध ही क्यों ना होना पड़े। एवं इसी के मुताबिक अर्जुन ने कर्ण का वध उस समय किया जब वह निहत्थे थे। अर्जुन के सत्य कहने पर वह फल और ऊपर की ओर बढ़ता है। अर्जुन के बाद नकुल एवं सहदेव ने भी बिना कुछ छुपाए सब कुछ सच सच उस वृक्ष के सामने कह दिया। सभी पांडवों के सत्य कहने पर केवल द्रौपदी ही बची। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आगे आने को कहा। तब द्रौपदी वृक्ष के सभी पाकर कहती है कि मैं अपने 5 पतियों के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना कुछ सोचे विचारे किए गए अपने कार्यों पर पछता रही हूँ। द्रौपदी के अपने सत्य बताने पर भी वह फल स्थिर ही रहा। यह घटना देख कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। कृष्ण की बातें सुनकर द्रौपदी कुछ समय के लिए शांत हो गई। वह यह सत्य पांडवों के सामने नहीं कहना चाहती थी, परंतु साधु के क्रोध से बचने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने 5 पतियों के अलावा भी एक पुरुष से प्रेम करती हूँ, जो कि और कोई नहीं सूर्यपुत्र कर्ण है। राजा द्रुपद के द्वारा किए गए स्वयंवर के दौरान उन्होंने केवल कर्ण को ही पसंद किया था, परंतु जातिवाद होने के कारण वह विवाह नहीं हो पाया। द्रौपदी के इस सत्य को जानकर सभी पांडव हैरान रह गए, परंतु वह कुछ कह नहीं पाए और कृष्ण के कहनुसार सभी के सत्य कहने पर वह फल अपनी जगह पर जाकर लग गया, जो कि ऐसा लग रहा था कि उसे कभी तोड़ा ही ना गया हो। महाभारत की संपूर्ण कथा में कभी भी द्रौपदी एवं कर्ण के प्रेम का वर्णन नहीं किया गया है और ये कथा सत्य है या असत्य इसका निर्णय आप स्वयं ही करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।